की ओछी मानसिकता एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसी मानसिकता मीडिया के सामने आती रही है। अरे मेरे हमारे लोग के माफी से क्या मतलब है, यू नो पूरा देश माफ करेगा तब तो। देखिए अगर ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो महिलाएं कहां बिहार में सुरक्षित हैं? ये पूरे बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए सीएम नीतीश ने माफी मांग ली है, जो सदन में उन्होंने बयान दिया था उस पर सीएम नीतीश कुमार खुद माफी मांगते हुए नजर आए, मीडिया के सामने आए, सदन में भी माफी मांगा, बाहर भी माफी मांगा, लेकिन उसके बाद महिला विधायक अभी भी इतनी गुस्से में क्यों है, इतनी गुस्से में आते हुए क्या कुछ कर रही है, जरा वो सुनिए। एक मुख्यमंत्री होकर ऐसी बात कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और उनकी ओछी मानसिकता एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसी मानसिकता मीडिया के सामने आती रही है, और मैं भी इसका एक बार शिकार हो चुकी हूँ। तो ये उनकी ओछी मानसिकता और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाता है, जो ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद ही अपने इस्तीफा की पेशकश कर देनी चाहिए। आप लोग उनको माफ नहीं करेगा, इनको माफी नहीं। देखिए अगर ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो महिलाएं कहां बिहार में सुरक्षित हैं? ये पूरे बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। देखिए अब तो उन्होंने माफी मांगी है। हाँ, ये आज उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी वाक्यों को दोहराया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मामला जो है वो उनकी ओछी मानसिकता का है, मानसिकता बदलने की जरूरत है, और ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार है। लेकिन आप माफ तो करेंगे? देखिए गलती करना, हम आपको एक थप्पड़ मार दे और फिर माफी मांग ले तो आपको कैसा लगेगा ये बताइए। विरोध तो अपने जगह पहले कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देना। नहीं नहीं, ऐसी 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 कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने तरफ से जो प्रोटेस्ट करना था, अपनी आवाज को उठाना था, हम लोगों ने सज्जनता पूर्वक अपनी आवाज को उठाई। नीतीश कुमार ने जो अपना बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने माफी भी मांग लिया, क्या आप लोग माफ कीजिएगा या फिर जिस तरीके से आप लोग? अरे मेरे हमारे लोग के माफी से क्या मतलब है, यू नो पूरा देश माफ करेगा तब तो। कौन माफ करेगा? माफ करिएगा कि नहीं मुख्यमंत्री को? बिल्कुल नहीं, एंड ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। आई डोंट नो, हम तो यहाँ है ना, यहाँ व्हाट इज हैपनिंग अंदर, मैं विल कम टू नो वहाँ जाने के बाद। अच्छा, उन्होंने माफी मांगी है, क्या कहिएगा इस तरह? देखिए माफी इज वेरी स्मॉल शब्द, वो बिल्कुल माफी मांगना तो चाहिए था उनको, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज कम टू नो दैट इज मेंटली डिरेल्ड नाउ, और वो अब अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हिज एक्सप्रेशन इज वेरी बैड, भीभत्स है। तो अब ये है कि ही शुड नॉट यू नो कंटिन्यू विद हिज पोस्ट, यू नो इट्स वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल पोस्ट। तो अब एक बहुत एक किसी अच्छे सेंसिबल मेंटली एकदम अच्छे आदमी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है, सो ही शुड रिजाइन अपने से। वैसे मैम पहले विधानसभा में बात करना, फिर विधान परिषद में भी दोहराना, मतलब एक घंटे के अंतराल पे एक ही बात को दो जगह दोनों सदनों में कहना, इसको आप किस नजर से देखती हैं? मैंने एक ही लाइन में बोल दिया, ही इज नॉट इन हिज मेंटल स्टेटस, आई थिंक ही इज देयर इज सम प्रॉब्लम, ही शुड टेक सम लीव और मेंटल चेकअप,